हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, पेज नंबर आपका 12 पर है, 12, 13 और 14 तीनों पेज आज कवर किया जाएगा। इसमें एसएससी और सिर्फ आपका 2.2 है। इसमें आज हमको पढ़ना है 8 नंबर एंड 9 नंबर, मतलब 8 अंकों वाली संख्याएं और 9 अंक की संख्याएं के विषय में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके पहले आप जानते हैं तो कि 7 डिजिट का जो नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। इसमें सामा इस तरीके से होता है, 8, 10 और उसके बाद 7 डिजिट का प्रीफिक्स नंबर होता है तो 1, 2 यहाँ पर 3, 4, 5, 6 ये आपका होता है 7 डिजिट का मानक नंबर। इसके पहले हम लोग ने ये पढ़ा था, ठीक है। आज हमको पढ़ना है 8 डिजिट का जो है, और उसके बाद 9 डिजिट का एक नंबर। तो 7 डिजिट के नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर आप देखते हैं, उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में अगर आप बता दें तो 9 9, उसके बाद यहाँ है, इसमें 1+ कर देते हैं, ठीक। तो ये जो नंबर आपको मिलेगा ये आपका 8 डिजिट का जो है नंबर हो जाएगा आपका। और उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा यहाँ उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है उसके बाद यहाँ पर 1 है। तो ये टोटल मिला के 8 डिजिट हो गया। 8 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हुआ, ठीक है। उसके बाद 8 डिजिट का आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 8 टाइम्स 9 हो गया। देखिए 5 हो गया और 6, 7, 8, 8 तो यहाँ पर कामा इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 1 करोड़ क्या पढ़ेंगे, 1 करोड़ 1 करोड़ जो होता है वो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कितना करोड़ वगैरह 9 करोड़ 99 लाख 99 999 ये ग्रेटेस्ट
अब यहाँ से आप सुनेंगे कि एक डिजिट का जो मालिक नंबर है वह करो, ठीक है, और उसके बाद एक डिजिट का ये जो आपका क्रेडिट नंबर है 9 करोड़ 99 लाख, फिर उसके बाद 99,999, ये दोनों के बीच में जो भी नंबर आएंगे सभी नंबर जो है क्या हो जाएंगे, एक डिजिट हो जाएंगे, ठीक है। एक डिजिट के नंबर आप समझे सबसे जो है छोटा नंबर क्या है 1 करोड़, और सबसे बड़ा नंबर आपको बताया क्या 9 करोड़ 99 लाख 99,999। ये दोनों के बीच में जितने भी नंबर आएंगे सभी नंबर आपके जो है एक डिजिट के होंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बच्चों राइटिंग एंड रीडिंग लास्ट नंबर। Writing and reading. Last number. Last number को हम किस तरीके से जो है पढ़ते हैं, read करते हैं और किस तरीके से उसको write करते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो इसमें है बच्चों आपका, इसमें दो प्रकार का है, जिसे लिखा है लास्ट नंबर आर रिटेन एंड रीड डिफरेंटली इन द इंडियन एंड द इंटरनेशनल प्रेस रेटिंग सिस्टम, ठीक है। दो तरीके से इसको आप जो है राइट कर सकते हैं और दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला टाइप है आपका इंडियन प्रेस रेटिंग सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल प्रेस रेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंडियन सिस्टम या इंडियन प्रेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। देखिए इंडियन प्रेस वैल्यू सिस्टम इंडियन प्रेस वैल्यू सिस्टम मतलब भारतीय प्रणाली के द्वारा, ठीक है, कोई नंबर होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे। देखिए लिखा है इन इंडियन सिस्टम प्लेस द कामाज एंड नेमिंग एज फॉलो, ठीक है। कामा का यूज करके उसको हम जो है पहले राइट करते हैं, उसके बाद जो है उसको रीड करेंगे, ठीक है। जैसे कोई नंबर है आप इस तरीके से जैसे 1 9 8 7 6 5 7 8 9 और इसमें जो कामा लगाने का तरीका होता है उसको यहाँ पर लिखा है कि कामाज एज पर इंडियन सिस्टम फ्रॉम आर एक्टर। आर एक्टर का मतलब होता है राइट हैंड साइड फर्स्ट 3 डिजिट, मतलब राइट हैंड साइड से पहले जो है 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं एंड देन और उसके बाद फालतू नंबर, उसके बाद 2 नंबर के बाद, मतलब राइट हैंड साइड से आप यहाँ पर 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे 1 2 3 या कॉमा लगाएंगे और तब उसके बाद फिर आए 2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद आप यहाँ कॉमा लगाएंगे 1 2 फिर 1 2 इस तरीके से कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और इसको आप किस तरीके से राइट कर देंगे इसको और पढ़ेंगे किस तरीके से इसको देख लीजिए। ए हो जाता है आपका 1 10 100, उसके बाद ये थाउजेंड होता है, फिर उसके बाद ये लाख होता है, फिर यहाँ ये आपका क
करोड़ हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें ये चलता है, तो यहां से आप देखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा। इसको हम अगर इस तरीके से कंप्लीट करते हैं यहां पर आप देखेंगे पहले कामा लगाने की चर्चा करते हैं और उसके बाद इसको टेबल आप बनाएंगे। जैसे यहां पर वर्ष हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर हंड्रेड होगा, हंड्रेड। फिर उसके बाद यहां थाउजेंड, थाउजेंड। फिर यहां पर टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड। उसके बाद लाख, टेन लाख। उसके बाद आपका आएगा कि यहां पर करोड़, करोड़। फिर उसके बाद टेन, टेन, इस तरीके से आता है। और यहाँ पर एक दोनों साइन का मिला करके तो ये हो जाता है आपका DRORDB। और ये दोनों का मिला करके यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इसको, तो मिला करके पूरा हो जाता है ग्राम। और इसको पूरे मिला करके हम देखते हैं, और ये हंड्रेड है और इसको पूरा को मिलाकर आप देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझिए यहाँ पर जो ये नंबर है, यदि हम इसको टेबल में जो है इंडियन स्टेट बैंक सिस्टम वाले टेबल में इसको क्लिक करेंगे तो ये नाइन आपका वर्ड से हो जाएगा, फिर एट हो जाएगा, टू सेवन होगा, यहाँ बाइक होगा, फिर सिक्स होगा, फिर आपका सेवन आ जाएगा, फिर यहाँ पर एट आ जाएगा, और यहाँ नाइन आएगा, और यहाँ सेवन आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहते हैं कि एक पर जो हमारा एक नाइनटीन है, ये करोड़ वाले कॉलम में है, तो हम कहेंगे इसको नाइनटीन करोड़, क्या कहेंगे इसको करोड़। फिर उसके बाद एक ही सेवर दोनों मिलाकर लाख लेंगे, ठीक है। तो एक ही सेवर लाख आप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे थाउजेंड में, तो यहाँ पर सिक्सटी फाइव दोनों मिला करके थाउजेंड में सिक्सटी फाइव थाउजेंड हो जाएगा। यहाँ इसके आगे से यहाँ पर सिक्सटी फाइव उसके बाद हंड्रेड वाले में केवल एक ही डिजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ केवल हंड्रेड केवल हंड्रेड। फिर उसके बाद लास्ट में आपको मिलाकर बोलेंगे एट्टी नाइन, एट्टी नाइन है। तो इस पूरे नंबर को पहले तो हमने क्या किया, इसको कामा के द्वारा इसको डिवाइड किया, ठीक है। अलग अलग उसको लिखा गया है, लेकिन
कामा लगाने का जो तरीका होता है इंडियन स्टेट बैंक सिस्टम में, राइट हैंड साइड से तीन नंबर के बाद आप पहला कामा लगाएंगे, उसके बाद टू नंबर के बाद आपको कामा लगाते चले जाएंगे। ठीक है, वन टू थ्री के बाद हमने कामा लगा दिया, उसके बाद वन टू के बाद कामा लगाया, फिर वन टू नंबर के बाद कामा लगाया, फिर आगे वन टू नंबर आगे इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। और इसको जो है एक है इंडियन स्टेट बैंक सिस्टम का एक जो है चार्ट आपका बना है। ठीक है, इस तरीके से चार्ट आप बना लेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि एक डिजिट का नंबर एक डिजिट से आगे का नंबर है, इसमें ठीक 19 तक आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट बना करके ये जो नंबर है उसको तो आपके हाथ खेल कर लेंगे। खेल करने के बाद और यहाँ यहाँ पर ये जो है दूसरा बैच है, इंटरनेशनल लैंग्वेज सिस्टम। यहाँ देखिए कामा लगाने का तरीका इसमें थोड़ा सा चीज होना, ये 9 डिजिट का नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें जो कामा लगता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है प्लेस कामा एज पर इंटरनेशनल सिस्टम फ्रॉम आर एच एस फ्रॉम ए बी सी डिजिट नंबर एज फॉलो। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको जो कामा लगाना है आर एच एस के राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करेंगे, तीन डिजिट के बाद तीन नंबर के बाद आप कामा लगाएंगे, फिर इसी तरीके से आप कामा लगाते चले जाएंगे, तीन नंबर के बाद ही इसमें कामा लगाना है। और उसने क्या कहा, पहले जो है तीन नंबर के बाद कामा लगता था, फिर टू नंबर के बाद कामा लगता चला जाता था, लेकिन इसमें शुरू से ही थ्री नंबर पर कामा लगता चला जाएगा, इसका आपको ध्यान देना है। और उसके बाद इसको हम राइट कैसे करेंगे, लिखने की कैसे या पढ़े की कैसे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसका पैच प्रयास करना होगा। इस तरीके से यहाँ देखिए इसका होता है 1 10 100, 1 10 100, फिर उसके बाद 1000, 1000, फिर उसके बाद 10,000, टेन थाउजेंड,
इस तरीके से कालम आपका बनेगा। लेकिन मिलियन वाले में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मिलियन में आपका थ्री कालम है, मिलियन में थ्री का कालम, उसके बाद थाउजेंड थ्री कालम आपको मिल रहा है, थाउजेंड थाउजेंड में थ्री का कालम, उसके बाद जो थ्री कालम में होता है नंबर वन and
नीतियां क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर टू ये बच्चों होमवर्क के रूप में है आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन केवल, ठीक है, इसको नोट करेंगे। इसमें आपको जो है पहले कामा कैंसिल करना है, इंडियन सिस्टम में भी और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों सिस्टम में अलग अलग आप इसको सॉल्व करेंगे। इंडियन सिस्टम आप एडिट करके इंडियन सिस्टम में पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में भी दोनों में अलग अलग कामा लगाने का आपको बताया गया है। कामा लगा करके उसको आप उसका नंबर नेम भी आपको लिखना है, मतलब उसको वर्ड में लिखना है जैसे भी आपको बताया गया है, ठीक है। इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है इसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।